हम सब यही चाहते हैं कि जब भी हम ट्रैवल करें तो हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो और हम अपनी जर्नी काफी ज्यादा एंजॉय करें, उसे यादगार बनाएं। फिर चाहे ये जर्नी चाहे रोडवे हो, चाहे ट्रेन से हो या फिर वाटरवे हो, और इस काम में कोई भी पीछे नहीं है। आप रोडवे देख लीजिए, बात कर ले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की, तो इसका भी 93% काम पूरा हो चुका है और कहा जा रहा है कि दिसंबर तक ये ओपन भी कर दिया जाएगा। जी हाँ, समुन्द्र में कंस्ट्रक्ट किया ये पुल काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। एक तरह से कहा जाता है कि इंजीनियर्स का चमत्कार ही है, और ये एक मील का पत्थर है जो हमें इस तरह के वर्ल्ड क्लास ब्रिजेस हमारे भारत में कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। आप चिनाब ब्रिज भी देख लीजिए जो बादलों में बना है ऐसा लगता है, और ये ब्रिज तो समुन्द्र में ही बना डाला। ये ब्रिज एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को टक्कर देगा, इतनी सारी एडवांस फीचर से इसे लैस किया गया है। इस ब्रिज में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टोल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक वर्क, हाईवे एल्यूमिनेशन सिस्टम, कंस्ट्रक्शन ऑफ टोल प्लाजा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, कमांड कंट्रोल रूम्स, ये सब भी शामिल है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को 4 पैकेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट और सेकंड पैकेज की बात करें तो ये पूरी तरह से सी बेस्ड होगा, वहीं थर्ड पैकेज की बात करें तो इसे लैंड पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और फोर्थ पैकेज जो अभी मैंने आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज बताई। भारत का ये सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई के चिल्ले से जोड़ने वाला, साउथ मुंबई और नवी मुंबई के बीच का जो आज ट्रेवल टाइम है एट प्रेजेंट में वो 2 घंटे का है, लेकिन जब ये ब्रिज पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो ये पूरा जो ट्रेवलिंग टाइम है वो 20 मिनट में ही सिमट कर रह जाएगा। रिसेंटली इस ब्रिज को लेकर एक और अपडेट निकल कर आई है कि इसके जो पिलर्स के डिजाइन है उसमें बदलाव किए गए हैं, जिससे जो कोस्टल रोड है यहाँ का जो प्रोजेक्ट है उसे खुलने में और भी 7 महीने की देरी हो सकती है। मेरा मतलब है जो लैंड पर ब्रिज कंस्ट्रक्ट होगा तो उसे शायद जून 2024 तक खोला जा सकता है। यहाँ पर BMC जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है वो बार बार दावे कर रही है कि जो भी कोस्टल रोड है उसे नवंबर 2023 तक तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर पिलर्स के डिजाइन को चेंज करने के बाद कहा जा रहा है कि जो भी कोस्टल रोड है उसे खुलने में और 7 महीने की देरी हो सकती है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।